सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स आपको शायद ही कभी बताएं। हम बात करने वाले हैं जो वीडियो का SEO जो आप करते हैं यूट्यूब पर। वीडियो आप अपलोड करने से पहले आप वीडियो का SEO जरूर करते होंगे। सारे बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियो का SEO करते हैं तभी उनका वीडियो इतना वायरल होता है। तो आप भी उन बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स का वीडियो देखते होंगे और आप उनसे सीखते होंगे। उन्होंने यही बताया होगा कि हर वीडियो को अपलोड करने से पहले उसका सही से SEO करना है। वो अपना तरीका बताते हैं कि आपको SEO कैसे करते हैं वो लोग, और वो अपना ही तरीका आपको बता देते हैं। लेकिन भाई, आपका और उनका चैनल सेम तो नहीं हो सकता। आप कुछ और कंटेंट बनाते हैं, उनका अलग ही कंटेंट होगा। आपका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है वीडियो बनाने का। लेकिन आप उनका जो तरीका है वो अपना ही तरीका बताते हैं अपना, कि आप SEO करें उनके तरीके से। तो ये जरूरी नहीं कि आपका भी वीडियो उन्हीं की तरह वायरल हो जाए या YouTube पर सर्चिंग में आने लगे। ये जरूरी नहीं होता। YouTube पर जो वीडियो डालते हैं उसका SEO एकदम आसान तरीका क्या है, तो आज मैं आपको वो एक शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो का सही तरीके से SEO कैसे करना है। आपको एकदम सही तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही सारे आसान और शॉर्टकट्स तरीके आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। आप में से जितने लोग मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसे आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यूट्यूबर हैं और वीडियो बनाते हैं, और आप अपनी वीडियो अपलोड करते होंगे, आप उसका SEO भी करते होंगे। क्या आपको सच में SEO करने का सही तरीका पता होता है? आप सही तरीके से SEO करते हैं? आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मैंने तो बिल्कुल सही तरीके से SEO किया है, जैसा मैंने एक बड़े क्रिएटर की वीडियो देखा है और उन्होंने जैसा बताया है मैंने वैसा ही SEO किया है, और आपका तब भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है और ना सर्चिंग में जा रहा है। तो आप क्या क्या गलती कर रहे हैं उस SEO करने में, मैं आपकी वो गलतियों के बारे में बताऊँगा और आपको ये सही तरीका बताऊँगा कि आप SEO करने में क्या गलती कर रहे हैं और आपका SEO सही कैसे होगा। देखिए, मैं आप लोगों से खुद पूछना चाहता हूँ, क्या आप वीडियो जब अपलोड करते हैं आपने कोई कंटेंट बनाया, आपने जिस पर कंटेंट बनाया, जिस टॉपिक पर आपने कंटेंट बनाया है, आपने उस कंटेंट के लिए एक टाइटल सोचा होगा कि आप किस टाइटल क्या टाइटल होगा आपकी वीडियो का। आपने वो टाइटल लिखा, आपने उसी टाइटल से रिलेटेड आपने डिस्क्रिप्शन भरा, और उसी डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपने टैग्स और हैशटैग लगाए होंगे, ठीक है। आपने ये सब लगा दिया, आपने जिस व्यक्ति के बारे में आपने उसमें बताया है वीडियो में, आपने उसे मेंशन भी कर दिया, ठीक है, और अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। अब आप 4 दिन बाद क्या देख रहे हैं कि आपकी वीडियो पर व्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना आपकी वीडियो सर्चिंग में जा रही है और ना सजेशन में जा रही है। आप समझ रहे हैं आपकी वीडियो क्यों नहीं सर्चिंग में जा रही है? शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी वीडियो सर्चिंग में क्यों नहीं जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो सर्चिंग में नहीं जा रही है, आपका कंटेंट बेकार है, आपका सब कुछ, मतलब आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की है। आप टॉपिक चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं कि यार ये टॉपिक मैं जो बना रहा हूँ वो चल ही नहीं रहा है, तो आप चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं। जबकि शायद आपका कंटेंट अच्छा हो, बस आपका बनाने का तरीका सही ना हो या आपका SEO करने का तरीका सही ना हो। शायद आप SEO के बारे में जानते ना हो, उतना डीप नॉलेज ना जानते हो, आपका SEO करने का जो तरीका है वो सही ना हो। अगर आप SEO के बारे में जानते भी हैं तो आपको वो तरीका नहीं पता होता है कि SEO जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, और क्या ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं लिखनी है अपने टाइटल में, अपने टैग्स में नहीं भरना है। मिसलीडिंग मेटा डेटा होता है जो अगर आप अपने वीडियो में जिस पर आपने कंटेंट बनाया है आपने उससे रिलेटेड टैग्स और डिस्क्रिप्शन ना भर के किसी बड़े यूट्यूब क्रिएटर को मेंशन किया या उसके बारे में टैग्स भरा, या कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आप उसके बारे में टैग्स भरते हैं, और जबकि आपकी वीडियो में वो सब है ही नहीं, आप सिर्फ ट्रेंडिंग पर वीडियो लाने के लिए आप उसके बारे में टैग्स भर रहे हैं, तो ये गलत होता है। आपको इस तरह के फालतू के टैक्स नहीं भरना है, आपको एकदम सही टैक्स भरना है, और टैग भरने का सारा तरीका और साथ में डिस्क्रिप्शन के बारे में सारा डिटेल और आपका जो टाइटल है आपकी वीडियो का, उस टाइटल का सही तरीके से SEO, कि आपका जो टाइटल है वो सर्चिंग में आए, ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन में आए,
इसके लिए आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, मैं एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर आप बहुत आसानी से अपने आप अपने YouTube चैनल की वीडियो के लिए एक सही SEO कर सकते हैं। आपको बिल्कुल राइट द वे आपको टाइटल मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन सही मिल जाएगा और आपको सारे सही टैग्स मिलेंगे। आप उस टाइटल को चेक भी कर सकते हैं कि उसका सर्चिंग वॉल्यूम कितना है। आप उस टाइटल का ये भी चेक कर सकते हैं कि वो उसका कंपटीशन कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है सर्चिंग। और आपके जो सारे टैग्स होते हैं आप उन टैग्स का भी देख सकते हैं कि उसका सर्चिंग वॉल्यूम कितना है और वो कितने हद तक सही है। तो चलिए मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिस पर आप बहुत आसानी से अपने अपने YouTube वीडियो का सही SEO कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज, आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे होंगे। आपको मैं बताता हूँ वो एप्लीकेशन कौन सा है। आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पर टैप करना है और यहाँ सर्च करना है VIDIQ और सर्च कर देना है। ये जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहला आपको एप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पर VIDIQ, इसको यहाँ डाउनलोड कर लेना है। और फिर आपको डाउनलोड होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये VIDIQ ऐप यूट्यूब से सर्टिफाइड है और आपको एकदम सही कीवर्ड्स सर्च करने में मदद करता है। यहाँ पर आप जियो जो डेली आइडियाज का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपको टैप कीजिए और यहाँ आपको यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा सर्चिंग में अभी चल रहे हैं। ये आइडियाज़ आपको इस ऐप की तरफ से सजेशन किए जाते हैं। आप इनको सेव कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया सही लगता है, आपको आगे काम आ सकता है, तो आप इसे सेव कर लीजिए। और इसमें देखिए आपको दूसरे नंबर पर ये व्यू प्रेडिक्शन दिख रहा है, हाई लेवल दिख रहा है इसका। ये जो कीवर्ड्स आपको जो दिख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा सर्चेबल कीवर्ड्स हैं और अभी सबसे ज़्यादा हाई रैंक पर हैं। आप इसे सेव कर सकते हैं। और ये जो नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है रिसर्च का ऑप्शन, आप इस रिसर्च पर टैप कीजिए और यहाँ पर आप सर्चिंग में आप जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप दो चार कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च कीजिए और इसे यहाँ सर्च कीजिए। जैसे कि मैं एक नॉर्मली सर्च कर देता हूँ हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम YouTube, तो मुझे इसका यहाँ पर ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ये 63 दिख रहा है और कंपटीशन वेरी हाई दिख रहा है। इसका ओवरऑल स्कोर 45/100 दिख रहा है। मतलब ये जो कीवर्ड्स हैं ये उतना सर्चेबल नहीं है, वॉल्यूम इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर आप ये कीवर्ड यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में तो आपकी वीडियो ज़्यादा सर्च में नहीं आएगी। आप इस यहाँ पे जो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स का ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर टैप कीजिए। आपको इससे रिलेटेड ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो ज़्यादा सर्चेबल होंगे और आपकी वीडियो को हाई रैंक पुश करेंगे। ये जो सजेशन दिख रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये वाला कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्चिंग में है और सबसे अच्छा कीवर्ड है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए और अपनी वीडियो में टैग्स में लगाइए इसे। और साथ में इसे आप टाइटल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग टाइटल सर्च कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हैं। आपको वही कीवर्ड्स जिन पर सबसे ज़्यादा इसका स्कोर दिख रहा है आप वो कीवर्ड्स यूज़ करिए, आपकी वीडियो ज़्यादा सजेशन में जाएगी। और नीचे आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर टैप कीजिए और आपकी जो YouTube आपको इसमें अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है, वही ईमेल आईडी जिससे आप अपना YouTube चैनल बनाए हुए हैं। तो आपकी यहाँ पर सारी वीडियोस दिख जाएंगी। आप जिस भी वीडियो पर अपना SEO करते हैं आप उस वीडियो के SEO का ये भी देख सकते हैं कि आपकी वीडियो की SEO का स्कोर कितना है। ये देखिए आपको यहाँ सेकंड नंबर पे SEO स्कोर दिख रहा है, आप इस पर टैप कीजिए और अपनी वीडियो का SEO स्कोर देख सकते हैं। और आप अपनी वीडियो का SEO स्कोर देख सकते हैं कि आपकी वीडियो में कितना इम्प्रूवमेंट है। आप यहाँ चेकलिस्ट पर जाइए और चेकलिस्ट में देखिए आपकी वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन लेंथ कितना सही है, आपकी वीडियो में क्या टैग सही है, आपने टाइटल सही भरा है, आपका डिस्क्रिप्शन कितना सही है। आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं डिटेल में। अगर आपको इनमें से कुछ गलत दिख रहा है
तो आप उसको ठीक कीजिए। अगली वीडियो में आप इससे बेहतर टैक्स लगाइए, इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन लगाइए और टैग और टाइटल उससे भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आप इसमें अलग अलग तरह के कितने भी टाइटल सर्च कीजिए, कितने भी टैग्स सर्च कीजिए, आपको मिलते ही रहेंगे नए नए टैग्स और आपको वही टैग्स यूज़ करना है जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं ये जो मैंने टैग्स लगाए हुए हैं इन टैग्स का स्कोर कितना है, किस किस टैग का मेरा स्कोर सबसे ज़्यादा है। आप जो भी आपको दिख रहा है कि किसी टैग का स्कोर कम है तो आप उसको हटा दीजिए, उसकी जगह ऐसा टैग लगाइए जो ज़्यादा स्कोर का हो। और यहाँ पर आपको रिकमेंड कीवर्ड्स का भी ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये जो तीनों कीवर्ड्स दिख रहे हैं इनका स्कोर ज़्यादा है, आप इन्हें चाहें तो अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आप इस ऐप को यूज़ कीजिए, मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो के लिए। इसमें बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे टैग्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करते हैं। तो गाइस देखा आपने आप कितने आसानी से अपने चैनल की वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा तरीका SEO करने का सीखे होंगे। अगर आपको ये SEO करने का तरीका सही लगता है, आप कम मेहनत में और बहुत ही आसानी से अपनी वीडियो को सर्चिंग में ला सकते हैं, आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो किसी और की वीडियो को सर्च करने पर आपके कीवर्ड्स की वजह से, आपके सर्चिंग वॉल्यूम की वजह से आपका वीडियो सजेशन में जाएगा, आपका सर्चिंग में जाएगा वीडियो, और इसी से आपका चैनल ग्रो होगा। आप इस एप्लीकेशन में सही टैग्स, सही डिस्क्रिप्शन और सारे कीवर्ड्स को आप ये भी देख सकते हैं उन सारे कीवर्ड्स का सर्चिंग वॉल्यूम कितना है और किस हद तक वो कीवर्ड्स आपकी वीडियो को सर्चिंग में ला सकते हैं, सजेशन में ला सकते हैं और आपके चैनल पर व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और अपने YouTube चैनल को इस पर लॉगिन कीजिए और नए नए कीवर्ड्स और अच्छे और बिल्कुल सही कीवर्ड्स अपने वीडियो के लिए चुनिए। आप सर्च कीजिए और उसी कीवर्ड से रिलेटेड सर्च, ज़्यादा सर्चिंग वाला, ज़्यादा वॉल्यूम वाला आप कीवर्ड्स चुनिए और अपनी वीडियो पर लगाइए और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करिए, ज़्यादा व्यूज़ लाइए अपने चैनल पर, तभी आपका चैनल बिल्कुल सही तरीके से ग्रो करेगा। आप कोई गलत तरीका बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, गलत तरीके से आप शुरुआत में भले ही आप अपने चैनल पर व्यूज़ ला लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इससे नुकसान ही होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इससे। इसलिए अपनी वीडियो पर मेहनत कीजिए, अपनी वीडियो को सही बनाइए और साथ ही सही कीवर्ड्स यूज कीजिए जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग में आए और लोगों को पता चल सके कि आपका कॉन्टेंट कितना बेहतर है, तभी आपका चैनल ग्रो हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।